तुमने कभी भी कोई स्टोरी सुना होगा ना किसी का भी, उसने यही बोला होगा कि ग्रह से शुरू किया, कुछ नहीं था, जीरो था, माइनस था। सेम स्टोरी है मेरे पास। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है रवीश, मैं रहता हूँ कनाडा के टोरंटो शहर में। आप में से बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं कनाडा में किसी बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले सकता हूँ, एक सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसमैन, अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। थोड़े दिन पहले मुझे स्टोरी पता लगी डॉक्टर अनुराग सिन्हा की, जो कि एक इंडियन इमिग्रेंट है यहाँ पे, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड। मुझे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मिली, मैंने उनको मैसेज भेजा, मैं कहा कि देखो मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल है और ऑडियंस विल लव कि आप अगर अपनी नॉलेज थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कर सको, हमें इंस्पायर कर सको, एंड ही इमीडिएटली अग्रीड। सो इससे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर सिन्हा कितने डाउन टू अर्थ एंड हम्बल हैं। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ हिज फैक्ट्रीज, जहाँ पे वो भी आने वाले हैं। सो चलेंगे, फैक्ट्री का टूर भी करेंगे। और जब मुझे ये पता चला कि डॉक्टर सिन्हा की कितनी कंपनीज हैं, कितनी कंपनीज उन्होंने सेटअप किया, तो मैं तो हैरान रह गया, एंड आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। किसी बिजनेसमैन से मिलो तो बताओ, उनका इंटरव्यू लो। सो मैं बोला कि आपसे बेटर कौन है। प्लीज प्लीज, थैंक यू। सो ऑलराइट गाइस, सो ये हैं डॉक्टर अनुराग सिन्हा, और मैं आपको अनुराग जी बुलाऊं या अनुराग सर बुलाऊं? प्लीज प्लीज अनुराग, बहुत है प्लीज। आपको समझ में आएगा कि बहुत ही जॉली नेचर है, मुझे 5 मिनट हुए मिले हुए, एंड ही सो डाउन टू अर्थ। वो इतने सक्सेसफुल है, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, बट आपने मेरे को टाइम दिया, थैंक यू सो मच, हमारी ऑडियंस ने मुझे बुलाया। वी वुड लव टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही, इंडिया में कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते हो, फिर आपने ऐसा क्या पढ़ाई करी, या उसके बाद करियर कैसा था, फिर कनाडा कैसे आ गए? मैं ना इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकल कम्युनिकेशन, फिर मैंने MBA किया है, फिर मैंने MTech कर रहा था, उसको छोड़ के मैंने PhD करी इन मैनेजमेंट साइंसेज फ्रॉम IIT ISM से। 1 year एग्जीक्यूटिव फ्रॉम IIM कलकत्ता से किया, एंड देन आई वॉज इन प्राइवेट सेक्टर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 4-5 साल लगा के। उसके बाद जब वो Y2K हो गया और वो सब इशू हुआ, जॉब्स नहीं थी, IT का हालत ख़राब होने लगा, फिर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में गया। अच्छा, ठीक है। और मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन IT में था, वहाँ पर पॉलिसीज बनाता था, फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में गया। मैं फॉरेन सर्विसेज में गवर्नमेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन पोर्ट ऑफ स्पेन में पोस्टेड था बिफोर आई केम टू कनाडा। सो उसके बाद फिर मेरी हो गई पोस्टिंग, एक कंट्री थी ग्रेनेडा, एक छोटी सी कंट्री करेबियन में यहीं पे। तो उसमें मैं गया था एज ए सेकेंड सेक्रेटरी, फिर फर्स्ट सेक्रेटरी वहाँ था, और मैं एडवाइज़र था on policies and knowledge economy, क्योंकि मेरी background थी IT की, तो इसलिए, और मुझे मैं पहले involved भी था कुछ इसमें, SWAN state wide area network in India, हाँ, बहुत बड़ा बड़ा project था, तो उसके लिए हमने बहुत काम किया था। आज भी आप देखिए तो world में telecom जो है, telecom सबसे सस्ता जो है वो India में है ना, क्यों? Because of the policies, because what we have done in the past is giving the result right now, and that is one of the reason I knew it and how to make that. कभी भी कोई भी वर्ल्ड में किसी को पूछोगे ना इंडियन है तो बोलेगा IT में है, है ना, मैं भी IT हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस 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 ऐसे ही है। हाँ, that's how we have branded our country, right? Yes. And I used to advise in most of the countries, so Grenada, Saint Vincent, Dominica, Saint Lucia, so many Caribbean countries को advise करता था, पॉलिसीज बनाते थे, वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा प्रोजेक्ट था जो हैंडल करते थे, EU का प्रोजेक्ट का मैं हेड था, क्योंकि मैं ही अकेला बच गया था, तो आई यूज्ड टू, एंड प्राइम मिनिस्टर्स को एडवाइस करना वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज़ दे तो आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से मिलते, डायरेक्टली बिल्कुल, ग्रेनाडा और करीबियन और करीबियन ऑल कंट्रीज के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी एंड नॉलेजेबल, एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट या इट वाज रियली, UN का भी एडवाइजर था।
यूएन का एज ए कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई वॉज वन ऑफ द एडवाइजर्स, 13 एडवाइजर्स इन द वर्ल्ड, तो वो भी अच्छा था काम, लॉट ऑफ लर्निंग थी उसमें भी. सो दिस ऑल वॉज गोइंग ऑन एंड देन एक ही था कि कहीं सेटल नहीं हो रहे थे, वी वर मूविंग फैमिली मूव करा इधर. तो एक बार 2008 में हम यहाँ आए थे कनाडा में, एक बीएमओ का कोई बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें रिसोर्स पर्सन उन्होंने बुलाया था एंड दैट्स हाउ वी केम टू कनाडा टू स्पीक एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कैरेबियन एंड हाउ टू यू नो शेयर विद अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. सो बहुत कंट्रीज के लोग थे. तो उसमें अच्छा एक तो लर्निंग भी हुई प्लस कनाडा के बारे में बहुत कुछ पता लगा. तो कनाडा वाज वन ऑफ अ गुड प्लेस टू कम. मेरे ख्याल से आप तो बहुत कंट्रीज में गए. बहुत कंट्रीज, हम मैक्सिमम 100-150 कंट्रीज देखा है. 150 कंट्रीज ऐसा देखा, ऐसा नंबर्स तो नहीं है बट एटलीस्ट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हिच इज गुड. इन पोपनीगी नहीं तब देख लिया तो बहुत देख लिया. तो उसके बाद आपको लगा कि कनाडा इज अ वेरी गुड प्लेस टू सेटल. दो चीज बहुत अच्छा था यहाँ पे, एक तो हेल्थ केयर एंड दूसरा एजुकेशन, स्टूडेंट बच्चों के एजुकेशन के लिए हेल्थ केयर वॉज टू मेजर. प्लस डाइवर्सिटी बहुत थी. पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग सेटल होने के लिए आते हैं. बट आपको अभी कितने साल हो गए कनाडा? तो मैंने अभी 10th एनिवर्सरी करी है, 31st ऑफ अप्रैल को हम यहाँ लैंड किए. बहुत बढ़िया. फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ माई 10 इयर्स. और 10 इयर्स में आपको रेसिज्म कुछ फेस करना पड़ा यहाँ पे? देखिए थोड़ा बहुत तो रहेगा, ऑलवेज रहेगा. दे हैव देयर ओन परसेप्शन. एक बंदा आपसे कैसे ट्रीट करता है, आप उसका एक अलग इमेज बनाते हैं और फिर उसको ब्रेक करने में टाइम लगता है. रेसिज्म कहाँ नहीं है, रेसिज्म हर जगह है ना, हर जगह. ये बोलना बहुत इजी है बट सब जगह है. इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ का साउथ के प्रति, साउथ का नॉर्थ के प्रति, ईस्ट का वेस्ट के प्रति. आपका सरनेम क्या है? हाँ, सरनेम से आपको अच्छा तो वहां के हो, कास्ट को लेके बिल्कुल थोड़ा है, हर जगह है. हाँ, हर जगह है. एक ह्यूमन नेचर होती है, वो सबसे पहले स्किन का कलर देखते हैं, फिर उसके बाद अगर वो उससे आगे चले जाए फिर देखते हैं उसके दिमाग में क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो बैरियर धीरे पर वो पहले से कम हो रहा है. बिल्कुल कम हो रहा है. लोग की एक्सेप्टेबिलिटी है. हाँ, लोगों का, लोग अब इंडिया से भी बहुत डिफरेंट स्किल सेट्स के आने लग गए हैं. इंडियन कंपनीज ने यहाँ इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है बहुत सारे. तो दैट हैज चेंज्ड अ लॉट. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी. तो मुझे ये जानना है कि जैसे आप जॉब में थे, प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट जॉब, फिर गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. अगर कई लोग तो ये सोचे भी मैं तो कभी ना निकलूं ऐसी सरकारी जॉब में से, एंड देन नॉट जस्ट आप ऐसा नहीं क्या प्राइवेट जॉब में आ गए, आपने रिस्क लिया, बिजनेस स्टार्ट किया. सो वो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? तो क्या हुआ कि जब मैं आया था तो मैं एक कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था, तभी मैं आया था. मतलब जॉब था तभी मैं आया, नहीं तो मैं नहीं आता. क्यों छोड़ना एक अच्छे खासे वेल पेड एकदम हाई जॉब को छोड़ना ना इजी नहीं था. जॉब छोड़ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ना हाईली इम्पॉसिबल है, जस्ट लेट यू नो. ओ माय गॉड, जितना मुश्किल घुसना है ना उससे दुगना मुश्किल उससे बाहर निकलना है, दुगना से भी ज्यादा ही है. बहुत कॉम्प्लिकेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इन बिटवीन. आपको एनओसी लेना है, आपको ये डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ आप गए सबसे लेना है कि कहीं कुछ ये, तो बहुत मेजर ये है. 2 साल मैंने उनके साथ काम किया एंड इट वॉज अ गुड जर्नी. हाँ, एंड वी लर्न अ लॉट. एंड एक टाइम आया जब मुझे लगा कि आई नीड टू स्टार्ट माई ओन. उसके बाद क्या हुआ कि उनके साथ ना मुझे एक और लर्निंग बहुत अच्छा मिला. आई नेवर थॉट कि हम कंपनी खरीद सकते हैं. अभी तक ये था इंडियन मेंटालिटी है, कभी आपने सुना नहीं वो कंपनी बिक गई, किसी ने खरीद ली. हाँ, है ना, कम होता है, बहुत रेयरली होता है ना. यहाँ पे होता है, या बहुत ज्यादा होता है. यहाँ पे क्या होता है कि फादर अपने बच्चे को नहीं दे सकता, इनहेरिटेंस नहीं है, टैक्स भी है, प्लस फैमिली स्ट्रक्चर बहुत लूज होता है, उतना टाइट नहीं है, इंडिया जैसा टाइट नहीं है. अगर हस्बैंड वाइफ में ठीक नहीं चल रहा, डिवोर्स हो गया, तो आपको उसको भी देना पड़ेगा जो इसके पास आ गया, तो वो देना ही नहीं चाहता है. ही कैन हेल्प यू इन अदर वेज बट यू कैन give your this thing to, rather than you can sell it, get the money and then yeah. you can whatever you want you can do it. idea yahi tha. to main pehle ek do aur companies thi usme main start kiya bid karne ka. sorry main aapko interrupt karunga. to aapko ye kaise pata chala ki company की बिड हो रही है या आप कर सकते हो? तो अच्छी बात ये हुई कि जो मुझे लाया था ना, हम रोज जाते थे और हम बैठते थे. ही यूज्ड टू बाय, ही वाज अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. अच्छा. एंड रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी.
तो बहुत इजी था मुझे भी कि ये लर्न करना कि खरीदते कैसे exactly, है ना. Yes, yes. It was a very good inspiring. Plus एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस उन्होंने हेल्प किया श्रीलंकन उन्होंने बहुत हेल्प किया टू अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस शीट हाउ टू यू नो व्हाट टू लुक इनटू हाउ टू लुक इनटू क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती तो आपको पता ही नहीं कि वो कंपनी घाटे में जा रही है फायदे में जा रही है आप इन्वेस्ट करो और एब्सोल्युटली सो बहुत कुछ लर्निंग भी हुई एंड इट वॉज अ गुड जर्नी अल्टीमेटली रिस्क रिस्क है अच्छा मैं मुझे लगा कि आईटी में रिस्क ले कि सर्विस सेक्टर में रिस्क ले कि मैन्युफैक्चरिंग में ले तो मैन्युफैक्चरिंग का एक चीज बहुत अच्छा है कि आपके पास कुछ विजुअली आप कुछ देख सकते हैं टच कर मशीन आप देख बिल्कुल, बिल्कुल. देख सकते हैं अभी आपको दिखाएंगे आप टच करके फील कर सकते हैं मशीन सो व्हेन यू आर पेइंग समथिंग यू हैव सम एसेट इनटू व्हिच यू कैन सी कल को आपको नहीं जम रहा है यू वांट टू सेल इट टू समबडी एल्स तो वो भी थोड़ा इजीयर है मेरे ख्याल बहुत बहुत कुछ है देखिए अगर आप एक्स चीज नहीं बना सकते आप वाई बना लेना आप जेड बना लेना आप नया ही कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि मशीन है ना आपके पास बना सकते हैं है ना तो दैट वाज इनटू द माइंड प्लस एक चीज और था कि जब मैं स्टार्ट किया ना ये लर्निंग करना अबाउट द कंपनीज मैंने देखा कि जो कंपनीज मोर देन 20-25 ईयर्स है ना उसमें एक चीज इनबिल्ड है रिसेशन प्रूफ उसने देखा हुआ क्योंकि वो 20 साल 25 साल अगर सरवाइव कर चुकी है बिल्कुल तो एक आधा मार्केट ऊपर नीचे बिल्कुल एक दो मार्केट तो जरूर देखा होगा उसने विच मीन्स देयर इज सम कैरेक्टर बिल्ट इन द सिस्टम उस कंपनी के वो एक लर्निंग बहुत अच्छी थी जब मैं स्टार्ट किया ना देखना बैलेंस शीट्स पहले कुछ देखा फिर कंपनी जाके देखते थे फिर ये करते थे बहुत इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच गेव मी दैट यस इट कैन बी प्लस एक चीज बहुत अच्छा था जब मैं गवर्नमेंट में था या मैं वहां था ना तो पॉलिसीज बनाना बहुत ईजी है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है ना तब याद आता है कि प्राइवेट सेक्टर बेचारे कितने मेहनत कर रहे हैं कितना तो दैट वाज वन थिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू सी दैट व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये जो ओलंपिक जो आपने देखा अभी दिखाया ये मेरी पहली कंपनी ये कहीं और थी दूसरे बिल्डिंग में अभी हमने बिल्डिंग खरीदी है तो हमने बिल्डिंग पूरा मूव किया यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने पहले पूछा कि कितने की है कंपनी तो उसने बताया 1.4 मिलियन की नहीं पहले पूछा कितना पैसा है आपके पास मैंने बोला 100-200,000 तो है हाँ सारा मैंने सोचा कि घर भी को लगा दूंगा यहाँ भी लगा दूंगा तो 100-200 तक तो ले ही आऊंगा तो उधर से उसका रिप्लाई है यू डोंट हैव फंड्स गेट प्लीज डोंट बॉदर फिर मैंने उसको बोला प्लीज दिखाओ तो कम से कम पैसे आ जाएंगे पैसे थोड़ी पहले से रखते हैं यू डोंट वरी आई विल मेक श्योर दैट आई विल अरेंज फंड्स फ्रॉम वेयर एवर आई कैन बहुत कन्विंस किया एक दो दिन तो बोला अच्छा चलो दिखाई देता हूँ ऐसे करके इट ऑल स्टार्टेड एनडीए साइन किया गए देखने के लिए कंपनी मतलब ठीक थी स्मॉल मिड साइज पहले तो जो ओनर पिछला ओनर होगा उसने कहीं इंटरेस्ट दिखाया होगा ना कि मेरे को सेल करना पहले से दो तीन बार वो कोशिश किया था 72 इयर्स का हो गया था क्योंकि 45 साल से चल रही थी 40 साल अच्छा तो उसको था मुझे रिटायरमेंट लेना एक्चुअली उसके एक दो सन भी थे बट इट डिडंट वर्क आउट ही वांटेड टू गिव इट टू देम बट आई थिंक समथिंग हैज happened and their family issues ek divorce tha but dusra they were not so you know so that was the idea it was there in the market ek buy and sell ka website hai through which you can see and those who are looking to buy a company they should do a lot of research देखो जब आप देखोगे सक्सेसफुल ना तो लगेगा ये तो बहुत इजी है ये तो बहुत इतना मजेदार है लाइफ है इसके ओवरनाइट सक्सेस ऐसा लगता है ओवरनाइट इसके पास तो लाइफ है दुनिया में किसी के पास नहीं होगी है ना लेकिन पेन नहीं दिख रहा है पेन नहीं दिखता और वो आंसू नहीं दिखे जो निकले थे हजारों दिन राइट यस यस बिल्कुल क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको पूछने भी लोग आते हैं उनको दिखता है तो और जो रिस्क लिया आपने क्योंकि रिस्क दोनों तरफ जा दोनों तरफ जा सकता है और ऐसा जा सकता है कि आप फिर जिंदगी भर के लिए खत्म है रिकवर नहीं है ना बिल्कुल तो इट इज नॉट इजी अगर तैयार हो तभी करो हाफ हार्टेडली मत करो ये तुम नहीं सोच सकते हो कि अरे यार थोड़ा पहले इसको बढ़ा लेता हूं अगर चला तो चला नहीं तो इधर है तो फिर नहीं चलेगा क्योंकि तुम पहले से ही प्लान बस एबीसीडी करोगे ना तो एबीसीडी में ही रह जाओगे है ना क्योंकि वो कंफ्यूज हो तुम खुद ही यू आर नॉट रेडी फॉर दैट तुमने कभी भी कोई स्टोरी सुना होगा ना किसी का भी उसने यही बोला होगा कि ग्राहक से शुरू किया कुछ नहीं था जीरो था माइनस था सेम स्टोरी है मेरे पास